हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। आज हम बनाने वाले हैं टैनग्राम्स। टैनग्राम के लिए हमें स्क्वायर चाहिए होता है। अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो देखिए हम किस तरीके से पहले उसे स्क्वायर बनाएंगे, फिर टैनग्राम बनाएंगे। एक रेक्टेंगुलर शीट को लेकर हम उसे एक कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि वो दूसरा पार्ट उसका साइड वाली लाइन पर आ जाए। फिर जो पोर्शन बचेगा उस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब हम उसे कट करें तो जरा भी इधर उधर ना हो। तो यहाँ मैंने स्केल और पेंसिल से एक सीधी लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर ली है ताकि मैं उसको सीधा कट कर सकूँ। उसके बाद हम इसको सीधा कट कर लेंगे ताकि जो हमारे पास रिजल्ट बचे वो एक रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक स्क्वायर हो, ताकि हम आगे का टैनग्राम उससे बना सकें। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में हमें एक क्रीज नज़र आएगी। उस क्रीज पर ही हम दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे ये स्क्वायर दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें दूसरी तरफ से दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है ताकि एक और क्रीज हम बना सके, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जब हम इसे देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में एक डॉट बना लेंगे जहां पर दोनों क्रीज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि मिलेंगी। फिर हम साथ वाला कॉर्नर सेंटर लाइन के उस पॉइंट पर फोल्ड कर देंगे जिससे एक और क्रीज बनेगी। जब हम उसे ओपन करेंगे तो उस क्रीज पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे टैनग्राम का हमारा एक पोर्शन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पर ये वाली क्रीज और पिछली वाली क्रीज इंटरसेक्ट करती है यानी मिलती है। उस पॉइंट को मार्क करते हुए हम बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें स्केल से ये मेजर करना है कि ये जो दो लाइंस हमारे सामने हैं इनके बीच में कितना गैप है। उतना ही गैप अब हम दूसरी साइड पर उस लाइन पर मार्क करेंगे और जहाँ पर भी उतना गैप होगा वहाँ एक पॉइंट बना लेंगे ताकि उस पॉइंट से हम सेंटर वाले पॉइंट को ज्वाइन कर सकें और एक ट्रायंगल हमें अब मिल सके। दूसरी साइड हम फिर से मेजर करेंगे कि ये गैप कितना है। उतना ही गैप हम नीचे वाली लाइन पर मार्क कर लेंगे और वहाँ पर भी एक पॉइंट बना लेंगे ताकि जब हम ऊपर वाली लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ इसको ज्वाइन करें तो हमें एक और पैटर्न यहाँ पर मिल जाए। यहाँ हमें एक स्क्वायर मिलेगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से 7 पोर्शन हमें टैनग्राम के मिल जाएंगे। अब हमें इन सभी पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है, मतलब हम सभी पार्ट्स को कट कर लेंगे। टैनग्राम के 7 पार्ट्स को कट करने के बाद हम इन्हीं का यूज करते हुए अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक एनिमल को बनाने की कोशिश की है। आप भी इस तरीके से टैनग्राम के पीसेस को लगाते हुए अलग अलग डिजाइन या फिगर्स बना सकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। अब इसके बाद इन्हीं पीसेस को यूज करके मैं एक और चीज बनाने वाली हूँ। आप देखिए और इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आप बना पाएंगे। ये चीज़ें हम तभी बना पाएंगे जब हमने टैनग्राम की शेप को बिल्कुल सावधानी से कट किया हो, तभी हम इस तरीके के डिज़ाइन और पैटर्न्स को बना पाएंगे। तो आप भी इस तरीके से और ज़्यादा टैनग्राम्स बनाइए
और देखिए कैसे कि हम नए नए आइडियाज यूज करके नए नए डिजाइन और शेप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक डक बनाई है, तो इसी तरीके से देखिए हम कितनी सारी चीजें टैंग्राम की शेप्स को यूज करके बना सकते हैं। आप भी घर पे जरूर ट्राई करिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।